हेलो, ये देखो करी लीव्स का बोनसाई छोटे से छोटे कंटेनर में लग जाता है। ये करी लीव्स, मीठा नीम की पत्ती जो अपन सब्जियों में डालते हैं, ये उसका पौधा है। ये देखो कितने छोटे से ऐसे ट्री में लगा है। ये देखो, ये ऐसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में बोनसाई जैसे आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। छोटे छोटे गमले में डालते हैं, सीड से ग्रो की थी, मैं इजली सीड से ग्रो हुआ पौधा है। देखो अरे छोटे छोटे कंटेनर लगे, इसमें सिर्फ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद है और कुछ भी नहीं। इसकी बस बीच बीच में से कोड़ाई करते रहनी है और आराम से सरवाइव करते जाता है। बस इसमें कुछ भी, कोई केयर नहीं इसकी भी, और हमेशा इसमें लीव्स रहते ही हैं। ये देखो, इसको बस ये है कि ऐसे चढ़ा के रखना है इसके ऊपर मट्टी, ये इस टाइप से। ये देखो, ये इस टाइप से, क्योंकि बोनसाई जैसा पौधा बना रही है, इसको इसका तना बड़ा हो जाएगा और इसकी पत्तियों की साइज बढ़ने लग जाएगी। ये सीड से ग्रो किया हुआ पौधा है, इसलिए भी छोटा है। ये देखो, सीड से ग्रो की हूँ इसलिए बारीक बारीक ले पा रही हूँ, लेकिन एकदम ईजली। और एक इसमें अपराजिता का पौधा लगा हुआ है, ये अपराजिता कभी सीड डाली थी, सीड से निकला हुआ है, इसको रिपोर्टिंग करूंगी किसी दूसरे में। अरे करी लीव्स, इसकी कोई केयर नहीं, इसमें हाँ कीड़े लग जाते हैं, अधिकतर कीड़े लगते हैं। यदि आप कीड़े देख लिए तो मेल फीमेल दो कीड़े रहते हैं, आप उसको तुरंत निकाल दीजिए, उसकी लीव्स ही तोड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें अधिकतर होते रहते हैं। हाँ, और दवाई डालना है तो नीम की कड़वे वाले नीम, कड़वा नहीं होता ना, उसका ऑयल आता है, वो स्प्रे करके डालिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए उससे। और इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ मत करो, क्योंकि अपन इसको खाने में यूज़ करते हैं। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है करी लीव्स, लेकिन ईजली सीड से अच्छा ग्रो होता है और लंबे टाइम तक चलता है। और एकदम नई नई पत्तियाँ देखो, कितनी अच्छी पत्ती और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको स्टोरेज करके भी रख सकते हो। यदि करी लीव्स लगाना है, आज ये नर्सरी वाले भी प्लांट ला देते हैं आजकल, तो लगाओ छोटे से छोटे कंटेनर में, कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं, गार्डन की सॉइल और काऊ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप डालना चाहें, बाकी कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं। आप एक बार लगा दीजिए बिना केयर के, कुछ भी नहीं, दोनों मिलाइए 50% गार्डन की सॉइल, 50% किचन कंपोस्ट हो या काउ कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये तीनों में से कोई भी एक डाल दीजिए और बस लगा दीजिए पौधा। कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं, देखने की ज़रूरत भी नहीं, आप एक जगह हम रख दीजिए। हाँ, बस बीच में देख लीजिए कि इसमें कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। अभी कीड़े लग रहे हैं तो वाली लिप्स तोड़ के फेंक दो। जैसे ही कीड़े लग जाते हैं तो एक ऐसे ऐसे लिप्स तोड़ना है जिसमें हैं कीड़े, या पूरी जैसे लंबी लिप्स तोड़ी और निकाल दीजिए बस। और कुछ भी नहीं, पानी डालते रहिए, आराम से सर्वाइव करते जाता है, कई सालों तक चलता है पौधा। जब इसको तोड़ना है तो आपको ये ऐसे मेन ब्रांच से नहीं तोड़ना, यहाँ से। और जैसे आपका पौधा है ये अब सरवाइव नहीं कर रहा है और एकदम छोटा हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसको आपको और दो तीन ब्रांच निकालनी है। जैसे देखो मेरे पास ये एक एक सीट से एक उगा था, यहाँ से मैं यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दी थी, ये यहाँ से प्रूनिंग की थी ये वाली लाइन से, तो यहाँ से दो ब्रांच आ गई। अभी दोनों की स्टेम मोटी करना है तो यहाँ से इसको प्रूनिंग कर देना है, यहाँ से इसको कट कर देना है दोनों साइड से, तो फिर क्या होगा, दो तीन और ब्रांच आ जाएंगी, तो इससे ये घना हो जाएगा। और घना होने के बाद फिर आराम से आप इसको लगा सकते हो, कहीं पे भी, खिड़की दरवाजे कहीं पे भी रखिए, हर घर में ज़रूरत होती है इसकी, हर घर में यूज़, और कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत तोड़ के यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इसकी एक एक बार कटिंग कर दीजिए, जैसे गर्मी लगती है ऐसे कट कर दीजिए आप, तो फिर क्या है, इसको अपना खाना बनाने के लिए तुरंत पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, और इससे जल्द बहुत ज़्यादा अलग 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 ब्रांच आने लग जाती हैं। उसके बाद फिर जैसे नई ब्रांच आएंगे तो गर्मी में ही फल आने लग जाते हैं, इसमें भी अंगूर के जैसे फल फलता है, छोटे छोटे अंगूर जैसे एकदम ग्रीन कलर का रहता है, जब फल पक जाता है तो ब्लैक कलर में हो जाता है। जैसे ही ब्लैक हुआ आप उसे तोड़िए और कोई भी एक, जैसे अपन बीज ग्रो करते हैं उसी टाइप से लगा दीजिए, उसमें फिर से जर्मिनेशन चालू कर देगा और नया पौधा तैयार हो जाएगा और आराम से सर्वाइव करते जाएगा।
आप भी लगाइए। बीज से लगाना है तो बीज से ऑनलाइन भी बीज मिल जाएगी, या फिर आप नर्सरी से पौधा लेके लगा सकते हैं। थैंक यू।